हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडल धर्मशाला के कर्मचारी शुक्रवार को आरटीओ कांगड़ा के खिलाफ उग्र हुए। वहीं इस मौके पर कर्मचारियों ने आरटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने आरटीओ को भ्रष्ट अधिकारी कहा। हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडल धर्मशाला के कर्मचारी शुक्रवार को आरटीओ कांगड़ा के खिलाफ उग्र हो गए। इस दौरान परिवहन निगम में तैनात तेजराम ने कहा कि पिछले माह निजी बस ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध तरीके से बस रूटों में संशोधन किया गया। इन रूटों को निरस्त करने को लेकर वे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो रूट परमिट निजी बस ऑपरेटर्स को दिए गए हैं वे बाया पठानकोट दर्शाए गए हैं, जो पूर्ण रूप से गलत और अवैध है। उन्होंने कहा कि आरटीओ कांगड़ा से 3 मई को इन मसलों को लेकर बातचीत की गई थी और उसी दिन इस प्रदर्शन को लेकर उन्हें नोटिस दिया गया था। तेजराम ने कहा कि जिन निजी बस ऑपरेटरों को बस रूट जारी किए गए हैं उनमें न्यू प्रेम बस सर्विस, जिसे 13 रूट जारी किए गए हैं, रवि बस सर्विस, तमन्ना बस सर्विस व सेठी बस सर्विस है। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर अन्य बस ऑपरेटर्स भी रूट परमिट लेने की होड़ में लगे हैं। उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि इसका एग्जाम सेक्टर आरटीओ द्वारा किया गया है और परिवहन मंत्रालय में भी किया गया है। मुझे उसके उपरांत आदेश आए, वैसे मैंने आदेश किए हैं। अगर सरकार कल को इनको निरस्त करती है तो मैं इनको निरस्त करूंगा, तो पता नहीं कब निरस्त होंगे। इसके बारे में एक और लेटर जारी किया था आरटीओ ने, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि ये जो बस रूट है इंटरस्टेट से इंटरस्टेट कुछ ऐसी बात की थी, वो क्या मामला है? ऐसा इंटरेस्ट जैसे कि पहले रूट जैसे कि उसमें 10 किलोमीटर की माइलेज बढ़ेगी ढांगू से बस स्टैंड तक की, वो ढांगू तक इंटरस्टेट हुए। अब जो बस स्टैंड कर दिए जाएंगे तो इंटरस्टेट रूट बन जाएंगे, उसमें माइलेज बढ़ेगी, जबकि माइलेज किसी भी तरीके से नहीं बढ़ सकती है। जो एग्रीमेंट पिछली साल 2016 में दोनों राज्यों के बीच में हुआ है उसमें हिमाचल के कमिश्नर द्वारा तो उसे साइंड किया गया है, पंजाब के कमिश्नर द्वारा भी साइंड किया गया है। हिमाचल में तो राजपत्र के माध्यम से आ चुका है पर पंजाब का प्रकाशित नहीं हुआ राजपत्र। तो जब तक पंजाब का राजपत्र प्रकाशित नहीं होगा तो उसमें माइलेज नहीं बढ़ सकती। परिवहन निगम में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात जसमेर राणा ने कहा कि चोर दरवाजे से इन रूटों को आवंटित किया गया है और एक बस ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहली बार देखा जा रहा है कि किसी बस रूट के पेपर पर परिवहन मंत्री के हस्ताक्षर हुए हैं, अन्यथा आज तक किसी भी परिवहन मंत्री के हस्ताक्षर नहीं हुए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि परिवहन निगम को खत्म करने की कवायद शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आरटीओ धर्मशाला ने लाखों करोड़ों रुपए डकार लिए हैं। सरकार ने हर अधिकारी का तबादला किया लेकिन इस आरटीओ का तबादला नहीं किया गया। एक्चुअली मैं ये जो रूट दिए गए हैं ये रूट हिमाचल टू हिमाचल है, क्योंकि ढांगू जो है वो हिमाचल में पड़ता है और ये पंजाब के बनते ही नहीं है। इसको बड़े चोर दरवाजे से इन रूटों को दिया गया और एक ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने की मंशा से ये कार्य किया गया। मुझे भी 37 वर्ष परिवहन में हो गए, मैंने 37 वर्षों में पहली बार देखा कि किसी पेपर पर परिवहन मंत्री के साइन आए, अदरवाइज परिवहन मंत्री के पेपर पर साइन नहीं आते। जब हमने इस विषय में बात की तो उन्होंने ये बोला कि इनका चुनावों में बड़ा योगदान रहा है। मैं ये समझता हूँ कि किसी एक ऑपरेटर का किस तरीके का योगदान रहा है, क्या योगदान रहा है, क्या ये HRTC को ख़त्म करने की एक मुहिम है? आज अरबों रुपए की बसें, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो हिमाचल प्रदेश वासियों की है, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, सड़कों पर खड़ी है और सरकार ने यह ऐलान किया कि 2 वर्ष तक हम बसें नहीं डालेंगे। क्या औचित्य हो सकता है इसका? सरकार किस क्या कर रही है? गंभीर स्थिति को देखते हुए SDM धर्मशाला धर्मेश रमोत्रा कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनकी बात को सुना। इसके बाद SDM ने कहा कि अगर ये मामला जिला स्तर पर सुलझाने का होगा तो इसे उपायुक्त और RTO के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा, अन्यथा इसे सरकार के पास भेज दिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निरपजीत निप्पी की रिपोर्ट।